नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही का YouTube चैनल ऑनलाइन सच में। दोस्तों, अगर आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था या दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में आपने अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम आपने अपने राशन कार्ड में जुड़वाया था या दोस्तों आपने अपने राशन कार्ड में कुछ भी चेंज करवाया था, कुछ भी अपडेट कराया था, तो दोस्तों आप कैसे चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल से अपने घर पे बैठ के कि आपने जो अपडेट कराया था, आपने अपने परिवार के जिस सदस्य का नाम आपने अपने राशन कार्ड में जुड़वाया था वो जुड़ा है अभी तक कि नहीं जुड़ा है। जी हाँ, आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपने अपने परिवार के जिस सदस्य का नाम जुड़वाया था अपने राशन कार्ड में वो जुड़ा है इस समय कि नहीं जुड़ा है, या आपने अपने राशन कार्ड में जो सही करवाया था, जो आपके राशन कार्ड में कोई गलत होगा अगर वो आपने फिर से सही कराया होगा तो वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी के लिए आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी सरकार की योजनाएं आती है इसी तरीके की मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपने अपने राशन कार्ड में जो अपडेट कराया था वो हुआ है कि नहीं हुआ है तो दोस्तों आज की वीडियो आप पूरी देखेगा बिना स्किप के। ये दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और अपने मोबाइल के स्क्रीन पर बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल से कि आपने राशन कार्ड में जो भी अपडेट कराया था वो हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। दोस्तों, ये है बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपके अपने राशन कार्ड में आपने जिस व्यक्ति का नाम जुड़वाया था वो जुड़ा है कि नहीं है, या आपने जो अपने राशन कार्ड में जो अपडेट कराया था वो हुआ है कि नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए सबसे नीचे दिखाई दे रहा है RCMS, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट्स। यहाँ पे आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखा हुआ है देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है रोपेट, यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्ट ऑन कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखिए स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है क्योंकि मैं आपको आज बिहार में बताने वाला हूँ कि आप अपने बिहार की राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आप चुन लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने डिस्ट्रिक्ट चुना और डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा औरंगाबाद, ये है रूलर, ये है अर्बन। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रूलर है ये मतलब गांव का है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन को चूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गाँव की बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो रूलर दिखाई दे रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये है आपका ब्लॉक, आप किस ब्लॉक के अंतर्गत रहते हैं, आप जिस ब्लॉक के अंतर्गत रहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, ब्लॉक जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आया आपका पंचायत, आप किस पंचायत के अंतर्गत रहते हैं, आप जिस पंचायत के अंतर्गत रहते हैं वो यहाँ पे आप दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपका विलेज, आप किस गांव में रहते हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये करने के बाद इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि आप किस गांव के अंतर्गत रहते हैं, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये देखिए दोस्तों ये है पूरी राशन कार्ड की लिस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए ये है कोटेदार का नाम, इस कोटेदार के द्वारा आपके पूरे गांव में कितने लोग राशन लेते हैं यहाँ पे देखिए ये पूरा सब दोस्तों नंबर शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम ढूंढना है, आपका नाम क्या है यहाँ पे आप ढूंढिए, लिखा हुआ है देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, राशन कार्ड होल्डर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम चेक कर लीजिए। उस नाम के बाद दोस्तों यहाँ पे फादर का नाम है, नंबर ऑफ फैमिली है मतलब फैमिली में कितने लोग हैं। दोस्तों, अगर आपका जो नाम है मान लीजिए आपका नाम इसमें से कोई भी है उसकी आपको नीली पट्टी पर दिखाई दे रहा होगा, आपको इसको पर क्लिक करना है। इसको पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए
ये देखिए, ऐसे आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो अपडेट कराया था, मोबाइल नंबर अपडेट कराया था, अपडेट हुआ है कि नहीं है, यहाँ पे कार्ड धारक का नाम अपडेट कराया था वो हुआ है कि नहीं है, यहाँ पे आपने जो अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम अगर आपने जुड़वाया था तो वो जुड़ा है कि नहीं है, तो ऐसे आप चेक कर पाएंगे। देखिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया इस वीडियो में कैसे आपको चेक करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी सरकार की नई योजनाओं की जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।